सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीज़न जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो उनके एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख्वातीन आज़मीन हज होते हैं वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त यह है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग कि पूरे तरह से इसका खात्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ कर रहे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था कोविशील्ड, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। और इसके आगे कोई दूसरा वैक्सीनेशन मैं तो नहीं समझता कि कोई करे होंगे, इसके अलावा अगर कोई दूसरे वैक्सीनेशन करे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलाउ करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो ये एक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है, उसमें नेगेटिव आने के बुनियाद पर ही यहाँ से रवानगी होगी। वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस मामले में आपको गाइड भी करेगी, टेस्ट भी करवाएगी और भेजना ना भेजना ये फैसला भी तेलंगाना हज कमेटी के जानिब से वो टाइम पर होगा। इससे पहले जब हम लोग एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे, जब 4254 एप्लीकेशंस हासिल थे, अब इसमें हो सकता है कि जो नया गाइडलाइन जो आए हैं एज लिमिट के वो मामले में हो या महरम और दूसरे इंस्ट्रक्शन जो हैं उसके बुनियाद पर बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली विड्रा करना चाहें एप्लीकेशंस, इससे पहले जो अप्लाई करे थे वो विड्रा भी कर सकते हैं, ये अपने ज़ाती तौर पर इसको विड्रा कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी है फिर भी आप विड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके बाद और एक बात भी यह है कि फिर फ्रेश एप्लीकेशंस यानी कि पहले के एप्लीकेशन तो बरकरार रहेंगे, जो उसमें एलिजिबल हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशंस हासिल करने का डेट, अप्लाई करने का डेट जो है इसमें भी इजाफा किया गया है 22 अप्रैल तक, यानी कि आज 10 अप्रैल तारीख है, 11 तारीख है और 11 दिन की मोहलत है आपको। इसके इस दौरान आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना चाहिए, चेक कर लेने के बाद में अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्कान भी हैं वहाँ से सऊदी हुकूमत की तरफ से कि आज़मीन हज जो नॉर्मली हिंदुस्तान का कोटा 1,30,000-1,40,000 तक हुआ करता था, हो सकता है कि इसमें जैसे दूसरे मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है वहाँ भी हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए भी इसमें कटौती हो सकती है। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी, आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब,
यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट, न्यू मल्लेपल्ली नोबल टाकिस क्रॉस रोड हैदराबाद।